तो जैसे कि आपने 6 महीने तक प्रैक्टिस की, तो उसके बाद आपने तुरंत ये शॉप स्टार्ट किया होगा, तो शॉप स्टार्ट करने के बाद आपको क्या दिक्कत है? आई मीन्स जैसे आपने शॉप स्टार्ट किया तो तुरंत आपके पास कस्टमर्स थे, आपके कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, कैसे आपका जो है शॉप रनिंग में लाया आपने, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नमस्कार दोस्तों, आज हम अभिषेक जी से मिलने आए हैं, अभिषेक देशमुख, जो भी मोबी बॉक्स मोबाइल शॉप के ओनर है। आज हम इनसे उनके शॉप के बारे में जानने वाले हैं, और साथ ही साथ आप में से कोई जो होगा जिनको मोबाइल का शॉप स्टार्ट करना है, उनको भी इस वीडियो से प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि अभिषेक जी ने जो है मोबाइल का शॉप कैसे स्टार्ट किया और उनको क्या क्या दिक्कतें आई है शॉप स्टार्ट करने के लिए। तो अभिषेक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। तो अभिषेक जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने शॉप कब स्टार्ट किया? मुझे शॉप स्टार्ट करके 2 साल हो चुके हैं, और अभी अगर नेक्स्ट मंथ 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और फिलहाल ये मेरा शॉप नासिक में कला नगर एरिया में है। तो अभिषेक जी, आपने ये शॉप 2 साल पहले स्टार्ट किया है, तो 2 साल में आपको क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे आपने शॉप स्टार्ट किया, शुरू में आपको क्या दिक्कतें आई, इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। शुरू में मेरे को तो सबसे पहले दिक्कत आई है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से मेरी शॉप तो ज़्यादातर बंद ही रखना पड़ रहा था, और फिर भी कस्टमर जो आ रहे थे उनका मोबाइल रिपेयरिंग या फिर उनको जो सामान लग रहा है वो मटेरियल नहीं मिल रहा था, वो सब ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को। अच्छा, तो अभिषेक जी, इसमें मोबाइल रिपेयरिंग होती है आपके शॉप में, तो ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो स्किल रिक्वायर होता है मोबाइल रिपेयरिंग का, साथ ही साथ मोबाइल का जो नॉलेज होता है, वो आपने कहाँ से ग्राप किया और कहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीखे? ये मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स होता है वो बहुत जगह पर अपने को मिल, मतलब इंस्टीट्यूट जो होता है बहुत जगह पर अपने को वो मिल जाता है। जैसे नासिक में पवार इंस्टीट्यूट करके था, वहाँ पे मैंने ये मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया जो 3 महीने का था, और उसके साथ मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया, 6 महीना प्रैक्टिस किया बाहर, फिर मैंने खुद का शॉप ओपन किया। तो शुरू में जैसे आपने कोर्स किया और प्रैक्टिस की 6 महीने 3 महीने तक बाहर, तो उस प्रैक्टिस के दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें आई और कोर्स करते समय आपको क्या क्या सीखने को मिला? कोर्स करते समय दिक्कत ऐसे आती है कि जो कि मोबाइल मतलब अपन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो अपने को कुछ भी मालूम नहीं रहता, तो उसके अंदर जो चीज़ें रहती है आईसी कंपोनेंट वो सब छोटी छोटी चीज़ें रहती है, वो उसको बहुत धीरे से इस्तेमाल करना पड़ता है, टूटने का फूटने का बहुत रिस्क रहता है। वो कोर्स करते वक्त वो मेरे को बहुत दिक्कत आई क्योंकि वो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को वो सब हैंडल करने का, तो बाद में धीरे धीरे वो हो गया मेरे से, मतलब अभी अच्छी तरह से हो रहा है। अच्छा, तो जैसे कि आपने 6 महीने तक प्रैक्टिस की, तो उसके बाद आपने तुरंत ये शॉप स्टार्ट किया होगा, तो शॉप स्टार्ट करने के बाद आपको क्या दिक्कत है? आई मीन्स जैसे आपने शॉप स्टार्ट किया तो तुरंत आपके पास कस्टमर्स थे, आपके कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, कैसे आपका जो है शॉप रनिंग में लाया आपने, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, स्टार्टिंग मैंने जब शॉप स्टार्ट किया तब कस्टमर ऐसे नहीं आ रहे थे, कस्टमर आते थे खाली पूछ के जाते थे, भाई तुम्हारे पास क्या क्या है, मोबाइल रखते हो, मोबाइल रिपेयर करते हो, एक्सेसरी रखते हो, वो खाली पूछ के जाते थे। पहले मेरे को 3-4 महीने तो कस्टमर ही नहीं थे, पर जैसे जैसे कस्टमर से मेरी पहचान हुई, उनसे बात की मैंने, तो वैसे वैसे धीरे धीरे कोई हेडफोन लेने आता था, कोई मोबाइल का रिपेयरिंग के लिए पूछने आता था, तो वैसे मेरे कस्टमर बढ़ने लगे, और अभी अच्छी तरह से चल रहा है मेरा शॉप। अच्छा है, मतलब इसमें आपने शुरू में पेशेंस रखा, शुरू में आपने जो है कस्टमर्स को जो है अपने सर्विसेज के बारे में बताया, उनको अवेयर किया, और बाद में आपकी जो है अच्छे से जो है अभी आपकी शॉप रनिंग में चल रही है। तो अभिषेक जी, हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहते हो कि इसमें जो है एक एवरेज मार्जिन कितना होता है मोबाइल रिपेयरिंग में, जो है इस बिज़नेस में एवरेज मार्जिन कितना होता है? देखो, मोबाइल रिपेयरिंग में एवरेज मार्जिन वैसा है कि 50% तक मार्जिन रह सकता है, मतलब जैसे रिपेयरिंग होगा, अगर हार्डवेयर इशू है तो उसमें मार्जिन होता है पर रिस्क भी रहती है, मतलब अगर आपका मदरबोर्ड का कोई इशू है तो आप उसमें मार्जिन ज़्यादा निकाल सकते हैं पर उसमें रिस्क ज़्यादा रहती है, जैसे फ़ोन पूरा डेड भी हो सकता है तो आपको कस्टमर को पूरा रिफंड भी करना पड़ता है फ़ोन अगर ख़राब हो गया तो उसमें रिस्क रहती है,
आपको आता होगा रिपेयरिंग, तभी वो कर सकते हैं। और अगर दूसरा एक्सेसरीज बोलेंगे तो उसमें भी आपको 30-40% मार्जिन रहता ही है, एक्सेसरीज में भी अच्छा मार्जिन है। तो अभिषेक जी, आप मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ न्यू मोबाइल भी सेल करते हो या और भी कुछ चीज़ें सेल करते हो क्या? मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ आपकी और क्या क्या सर्विसेज है, आप अपने सारी सर्विसेज के बारे में एक बार बताओगे? सर, मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के साथ एक्सेसरीज का भी रखा है और उसके साथ फ़ोन सेलिंग के लिए भी रखा है, न्यू फ़ोन, सेकेंड हैंड फ़ोन्स। और उसके साथ मेरे को जैसे सुबह से लेकर थोड़ा शाम तक कस्टमर कम रहते, दोपहर के टाइम तक, तो मैंने उसके साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने का और जेरोक्स का बिज़नेस भी स्टार्ट किया है। जैसे कस्टमर आते तो शाम के वक्त ज़्यादा आते, तो दोपहर को अपने को टाइम रहता है, तो उसमें कुछ अलग बिज़नेस भी स्टार्ट किया है मैंने, जैसे जेरोक्स का, कलर प्रिंट का और ऑनलाइन फॉर्म भरने का, वो भी बिज़नेस चालू किया है। तो अच्छी बात है, मतलब आपने एक शॉप रेंट पे लिया है तो उसका आप पूरा तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ आप जो है और जेरोक्स का भी, ऑनलाइन फॉर्म का भी, मतलब ये साइड इनकम भी आप जनरेट कर रहे हो। तो अभिषेक जी, जो हमारे व्यूवर्स का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो रहता है कि आप जो है इस शॉप से मंथली कितना अर्न करते हो, एवरेज जो होता है वो मंथली कितना अर्न कर लेते हो? जी देखो, ऐसा इसका ये बिज़नेस का ऐसा है कि ये इसका मंथली इनकम फिक्स नहीं रहता, इनकम कम ज़्यादा होता रहता है। फिर भी अपन स्टार्टिंग से पकड़े तो 3-4 महीने ऐसे पकड़ लो कि अपने को खुद से पैसे जेब से डालने पड़ते हैं बिज़नेस में। पर अगर आपका बिज़नेस अच्छी तरह से चालू हो जाए तो आप आराम से स्टार्टिंग में भी 20-30 हज़ार रुपये मंथली स्टार्टिंग में कमा सकते हो। जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ेगा वैसे आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। जैसे अभी मेरा 2 साल हो गया है तो 2 साल में मैं अभी मंथली 30-40 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता हूँ। तो अभिषेक जी, जैसे आपने बताया कि शुरुआत में जो है थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कस्टमर्स आने के लिए थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है और उसके बाद जो है वो इनकम अच्छे से शुरू हो जाता है। तो आप जो भी व्यूवर्स हैं हमारे जो देख रहे हैं, उनमें से किसी को अगर मोबाइल का शॉप, रिपेयरिंग का शॉप ओपन करना होगा या फिर न्यू और सेकंड हैंड मोबाइल सेलिंग का शॉप ओपन करना होगा, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो अभिषेक जी? मैं उनके लिए एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर फ़ोन रिपेयरिंग का बिज़नेस आप चालू करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर प्रॉपर नॉलेज लिए बिना या फिर प्रैक्टिस किए बिना आप शॉप चालू करेंगे तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। और मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि जैसे पेशेंस भी रखना चाहिए। जैसे आप बिज़नेस चालू करेंगे और आपका इनकम चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी 2 महीना, कभी 4 महीना भी आपके पास इनकम चालू नहीं हो सकता, पर इतना फिक्स है कि आपका इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अच्छा, तो और एक सवाल है कि व्यूअर्स के मन में हमेशा उठा रहता है कि कोई भी बिज़नेस हो, अगर ये मोबाइल रिपेयरिंग का हो और भी कोई है, तो हर बिज़नेस में कंपटीशन होती है। तो मैं इस बिज़नेस के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग के बिज़नेस में कैसे कंपटीशन है और हमें अगर कंपटीशन के हटकर कुछ करना होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसमें कंपटीशन की बात ऐसे रहती है, जैसे आप कस्टमर से बात कैसे करते हैं, कस्टमर को आप सर्विस कैसे देते हो, आपको कस्टमर को सर्विस अच्छी दे रहे हो तो कस्टमर आपके पास बाद में भी आएगा, या फिर कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी सजेस्ट, आपके शॉप का नाम सजेस्ट करेगा। तो आप सर्विस जितना अच्छी दोगे यार, कस्टमर से आप जितना अच्छी तरह से बात करोगे उस पर वो डिपेंड रहता है। बाकी हर बिज़नेस में कॉम्पिटिशन तो आने वाला है, तो आप कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करते हो उस पर वो सब डिपेंड रहता है। ओके. तो अभिषेक जी, आपने जो आपकी पूरी जानकारी दी, आपके जो 3-4 साल का मोबाइल रिपेयरिंग के बिज़नेस का जो अनुभव है वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और फिर से एक बार मैं अभिषेक जी का जो है पूरा एड्रेस मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ और अभिषेक जी को भी बोलने को बोलता हूँ कि आप जी, मेरा एड्रेस है नासिक डिस्ट्रिक्ट में डिंडोरी रोड, कला नगर और ओमकार पार्क सोसाइटी में, शॉप नंबर 2। तो ये अभिषेक जी का जो है शॉप का एड्रेस है, अगर आप कोई फ़ोन रिपेयर करना हो या मोबाइल रिपेयर करना हो, कोई एसेसरीज लेना हो, तो आप ज़रूर इनके शॉप को विज़िट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच जी, अभिषेक जी, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और ये इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच।